हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई हूँ आप बहुत अच्छी होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैंने बनाई थी पाव भाजी, तो सबका ब्रेकफास्ट हो चुका है, बस मेरा बाकी रह गया है। तो मैं बस वही अपने लिए पाव सीखने जा रही थी। पाव भाजी ऑलरेडी रेडी है काफ़ी टाइम से, तो बस मेरा नाश्ता रह गया था, अभी थोड़ा लेट हो गई थी मैं। तो चलो शुरू करते हैं अपने पाव बनाने, और आप लोग को भी खाने तो जल्दी से आ जाइएगा। सबसे पहले कर देते हैं फेस कवर। तो अभी मेरी थोड़ी सी वीडियो नहीं मिल पा रही होंगी आपको, क्योंकि मेरे थोड़ा चेहरे पे चोट लग गई थी, इस चक्कर में मैं वीडियो कम डाल पा रही हूँ दोनों चैनल पे। आप लोगों से बस इतना कहना चाहूँगी, वीडियो पसंद आया करो तो प्लीज़ छोटू सा लाइक एंड वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। तो आप लोग देख सकते हो मैंने फेस कवर कर लिया है, और मेरी चोट जो है यहाँ पे लगी है, बहुत ज़्यादा पेन था। कल 2 दिन तो उठा ही नहीं गया था, कुछ खाया भी नहीं गया था। और चलो शुरू करते हैं बनाना। सबका ब्रेकफास्ट हो गया, मेरा ही बाकी रह गया था। लेटर अगर आप लोगों को उसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आपको ज़रूर दूंगी उसकी रेसिपी पाव भाजी की। पाव ले लूंगी मैं, इतने सारे पाव निकाल लिए हैं मैंने और बाकी रख देती हूँ, इतना ही काफी है। यहाँ मैं बटर है, बटर को लगा लूंगी, थोड़ी सी भाजी, स्वाद आ जाता है इसमें जब भाजी डाल के सेक तो अलग ही टेस्ट आ जाता है इसका। मैंने सबको ऐसे ही बना के खिलाया, अच्छे बने थे, काफी टेस्टी लग रहे थे। अब इसको पाव को इस टाइप से हम सेक लेंगे, लगभग 3 पाव रख दूंगी मैं इसमें, इस टाइप से दबा दबा के इसको पाव को सेक लेंगे इसके सहायता से। इस टाइप से सारे पाव में सेक लूंगी। दोनों तरफ से सेक लेंगे हम पाव के लिए, सॉफ्ट हो जाता है फिर। तो पाव सिक चुके थे तो मैंने बाबू को दे दिए थे, वो दोबारा मांगने लगे थे, तो मैंने बोला चलो और ले लो। तो अभी मैं अपने लिए और भी सेक रही हूँ पाव। पाव भाजी तो सबको ज्यादातर पसंद होती है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। इस टाइप से मैं सारे पाव सेक लूँ। ज्यादा ऑयलिंग वाली मुझे चीजें कम, मतलब ज्यादा ऑयल यूज नहीं करती हूँ मैं पाव वगैरह पे, कम ही लगाती हूँ। और वैसे भी मैंने ये होटल में सीखा है देसी घी पर। मैं इधर अपनी सब भाजी कर लेती हूँ और रेडी करके प्लेट लेती हूँ, फिर आप लोगों को भी खाना और मैं भी खाती हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग कितनी अच्छी एकदम पाव भाजी बन के रेडी हो चुकी है मेरी। और आ जाइए आप लोग भी और मेरे साथ में एंजॉय कर लीजिए, कितनी एकदम टेस्टी टेस्टी पाव, देखो कितने बढ़िया। और ये भाजी मेरी कितनी अच्छी लग रही है, और हरी मिर्च रखी है मैंने। तो आ जाइए आप लोग भी इंजॉय कर लीजिएगा, खा लीजिएगा मेरे साथ में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अभी किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।